गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। एंड अभी टाइम हो रहा है 6:40 AM। थोड़ी देर में आई थिंक सनराइज होने वाला है। दिल्ली में यही होता है सर्दियों में, 6:40 को भी ऐसे बहुत अंधेरा सा रहता है। लेकिन अभी हम जा रहे हैं नोएडा शिफू से मिलने। काफ़ी टाइम से नहीं मिला मैं उनसे, वो भी एक महीने के लिए आई थिंक बाहर गए हुए थे, सेमिनार्स वगैरह ले रहे थे थाईलैंड एंड फिलीपींस में। भैया अभी हम ट्रेनिंग खत्म करके आए हैं, तो आज ज्यादा कुछ खास ट्रेनिंग करी नहीं, 20-25 मिनट जॉगिंग। हमारा जो स्कूल प्रोजेक्ट है उसकी रिवीजन करी थी, तो ये मैंने सोशल मीडिया पे कहीं नहीं बताया है, ना ही ज़्यादा लोगों को आई थिंक पता होगा। बट शिपू के साथ लाइक एज हिज लीड इंस्ट्रक्टर एज पार्ट ऑफ हिज टीम हम जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में, उधर लड़कियों को हम सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं। तो नवंबर में हमने दो स्कूल कवर करे थे एंड दिसंबर में एक स्कूल था एंड अभी मंडे से एक और स्कूल होने वाला। बेसिकली एक एक हफ्ते का कोर्स होता है जिसमें हम बेसिक सेल्फ डिफेंस की टैक्टिक्स सिखाते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू नेवर नो लाइक लाइफ कैन हैपन टू यू एनी टाइम, हमें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना ये सारी चीज़ें, कब अटैक होएगा, कब एक्सीडेंट होएगा। यू नो एज द सेइंग गोज, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो जस्ट लाइक इन्वेस्टिंग सम टाइम इन लर्निंग बेसिक स्ट्रैटेजीज कैन एक्चुअली मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ एंड जस्ट गोइंग थ्रू द ट्रॉमा और नॉट। हर स्कूल में ऐसे 400-500 लड़कियाँ होती हैं एंड काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, मिले तो काफ़ी ज़्यादा होलसम एक्सपीरियंस होता है। तो आई वाज वेरी हैप्पी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अभी मंडे से वापस स्टार्ट होएगा। द ओनली थिंग इज सुबह बस अपना 5:30 बजे उठ के निकलना पड़ता है एंड जो हमारी इवॉल्व विद सेट वर्कशॉप है वो भी संडे मंडे ट्यूजडे को होगी, रोज़ 8 बजे से लेके 9 या फिर 9:30 तक, डिपेंड्स कितनी खिंच जाती है। इट्स गोना बी अ पैक्ड वीक। ऑलराइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा प्री वर्कआउट शेक EAAs ग्लूकोज हल्का सा प्री वर्कआउट इज रेडी, बट इसमें एक और चीज़ डालना बाकी है जो कि है मसल बेस का क्रिया प्रयोग। तो यार ये सप्लीमेंट हर एक ट्रेनी के आर्सेनल में होना चाहिए, दिस इज अ वेरी अंडररेटेड सप्लीमेंट, आपको सबसे ज़्यादा बैंग फॉर योर बक इस सप्लीमेंट में मिलेगा। यार इस सप्लीमेंट के ऊपर काफ़ी सारा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है, तो दिस कैन एक्चुअली हेल्प यू इम्प्रूव योर मसल मास, स्ट्रेंथ एंड एक्सप्लोसिवनेस। क्रिएटिन एक्चुअली हेल्प्स इन बेटर सिंथेसिस ऑफ ATP जो कि हमारी बॉडी में एक एनर्जी यूनिट होता है। आई टेक मसल ब्लिस का क्रिया प्रो क्रिएटिन, इसमें है 99.9% हाईएस्ट क्वालिटी क्रिएटिन जो कि जर्मनी से इंपोर्ट होता है। इसका 3 महीने का डोज विद माय कोड आपको पड़ेगा ₹989 ओनली, विच इज अ बार्गेन इन माय ओपिनियन। उसको चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए पहले लिंक पर क्लिक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड SIDMB फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट एट चेकआउट। So today is shoulders and back day, like most of it will be shoulders followed by one back exercise and one rear delt exercise. Today will be training day number 4. बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे डंबल से टर्नल रोटेशन करते हुए देखा होगा, तो उसमें एक बहुत बड़ा गैप है कि जब आप डंबल है उसकी जो रेजिस्टिंग फोर्स है, मतलब ग्रेविटी से सिर्फ डंबल नीचे को वेट आ रहा है, तो अगर आप इधर हो इधर देयर इज नो रेजिस्टेंस, सो आइडियली यू वुड वांट अ बैंड टू एक्चुअली डू दैट मूवमेंट विद, ताकि अगर एक्चुअली मेकिंग यूज ऑफ दिस रोटेटर कर्व्स या पोस्टीरियर शोल्डर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे भी अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ आई स्टिल फील माई पोस्टीरियर शोल्डर कॉम्प्लेक्स पूरा मूविंग, इंस्टेड ऑफ अगर मैं सिर्फ डंबल से पकड़ रखा होता तो इट्स जस्ट नॉर्मल, बिकॉज उसके नीचे ये स्ट्रक्चर है पूरा सपोर्ट करने के लिए। तो मैं 2 मिनट होल्ड करूँ, 5 मिनट होल्ड करूँ, आई कैन ईजली डू दैट। सेकेंड ऑफ ऑल कि अगर मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ये करते हैं, फिर अगर मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो सम रिहैब एक्सरसाइजेस जिन लोगों का अगर ऐसे हंज्ड अप बैक होती है, जिनके ट्रैप्स टाइट होते हैं, जिनके पोस्टीरियर शोल्डर मसल्स हो गई, जैसे आपके रोम्बॉइड्स हो गया, वो सब वीक होते हैं, तो दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन वेल। तो दीज आर सम एक्सरसाइजेस जो मैं रोज लॉन्जेविटी पर्पस के लिए करता हूँ। डू 10 reps विद अ लाइटर बैंड, कीप योर बॉडी लूज, कीप योर एल्बो स्ट्रेट एंड जस्ट स्लाइटली पिंच योर स्कैपुला, जस्ट दिस, पूरा स्क्वीज नहीं करना, एकदम ऐसे ट्रैप्स अंदर को नहीं स्क्वीज करने, आपको वॉन्ट टू टारगेट दोज डीपर मसल्स बिकॉज दे आर ऑफन ओवरलुक्ड इन आर ट्रेनिंग। जस्ट 1 and 2, डोंट थिंक ऑफ एक्सटेंडिंग विद योर ट्राइसेप, हमें ट्राइसेप पुश डाउन या फिर हमें ट्राइसेप एक्सटेंशन नहीं करना है यहाँ पे। 3, 4, डू 10 reps ऑफ दिस, देन आई गो अप एंड पुल इट डाउन टूवर्ड्स माई क्लाविकल एंड देन, जैसे आपने अगर मेरे एवॉल्व प्रोग्राम के वार्म अप में देखा हो, एक ऊपर कहीं एंकर से अटैच करके इंटरनल रोटेशन होती है एंड वन इज दैट एक्सटर्नल रोटेशन जो मैंने अभी बात करी लाइक दिस। तो जो वार्म अप की एक्सरसाइज है सबका एक फंक्शन है, सबका एक पर्पस है आपकी ट्रेनिंग में,
टू एक्चुअली गेट योर बॉडी प्राइम, टू गेट योर बॉडी रेडी एंड ऑल्सो टू कीप इट फिट फॉर लॉन्ग टर्म. हमारा ये जो स्ट्रक्चर है, यू वॉन्ट कि इवन अंडर हैवी लोड्स ये ब्रेक ना हो. इस वजह से हम ये सारी, मतलब स्पेशली मैं ये सारी मूवमेंट्स करता हूँ. तो इवन इफ मैं सिर्फ अगर अपने ट्रेनिंग में 8 से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, जो कि बहुत सारे लोग नहीं लगाते हैं, दैट विल एक्चुअली कीप मी मोबाइल, कीप मी फ्लूइड, कीप माई बॉडी फ्री फ्रॉम एनी इंजरीज, फ्री फ्रॉम एनी वीक लिंक्स. दैट कैन एक्चुअली एक गो अ लॉन्ग वे अगर आप फिर लुकिंग फिटनेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ 10, 20, 30 ईयर्स. तो यही गोल है हमारा, पेन फ्री मूवमेंट एंड पेन फ्री लिफ्टिंग. यहाँ पे फ़ोन में रॉकी के गाने चल रहे हैं, जिससे मैंने अभी पिछले ब्लॉग में बताया था. मैं पूरी सीरीज रीवॉच कर रहा था, तो आज मैंने जो फाइनल मूवी थी रॉकी बैल्बोआ वो देखी, फिफ्थ स्किप कर दी. फक वाल लगती है मेरे को फिफ्थ वाली मूवी, 1, 2, 3, 4 एंड देन द बैल्बोआ वन जो कि 2007 में आई थी. एंड जो ये प्लेलिस्ट है रॉकी की पूरी, जो सारी मूवीज़ की ऑन रिपीट सुन रहा हूँ मैं. मेरे को कल रात को सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली थी. आज हमें ओवरहेड प्रेस में 62.5 से आइडियली करना है, बिकॉज लास्ट वीक आई डिड 62.5 से सेकेंड सेट में 5 reps. लाइक दैट इज़ अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग लॉग. आपको पता रहता है आपने कौन सी एक्सरसाइज में क्या किया, जैसे मैंने बोला था. 3 घंटे की नींद के साथ ऑल्सो लंच भी नहीं किया, सिर्फ ब्रेकफास्ट में जो आलू पराठी खाई थी वही है. उस सब के साथ आज हमें अपने लास्ट वीक के नंबर्स आउटलिफ्ट करने हैं, तो लेट्स सी हाउ इट गोज. ऑल्सो इसके बाद हमें सनी के साथ पठान देखने जाना है, जो कि हमारा है 5 बजे का शो. एंड अभी हो रहा है 3:36. तो बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं अपने ओवरहेड प्रेस में, स्पेशली अगर आप स्ट्रिक्ट प्रेस कर रहे हो, दे डोंट यूज देयर कोर ग्लूट्स एट ऑल टू पुश द वेट अप. उन्हें लगता है सिर्फ शोल्डर्स की मूवमेंट है, सिर्फ हाथ से बस पुश करते रहो. एंड व्हाट दे एंड अप डूइंग इज उनका कॉम्पनसेशन इतना आता है टू प्रेस द वेट अप एंड वो ऐसे बैक लीन करते रहते हैं, राइट? तो आपके लंबर स्पैन पे भी थोड़ा सा लोड आता है. तो व्हाट यू वांट इज आप आए बार के नीचे, आपने अनरैक किया, यू कम इनटू अ सॉलिड पोजीशन, ठीक है? यू ब्रेस योर कोर, कोर एंगेज, स्क्वीज योर ग्लूट्स, राइट? देख सकते हो ये नहीं चाहिए मेरे को. व्हाट यू स्क्वीज योर ग्लूट्स एंड बिफोर यू ड्राइव अप आई वांट यू टू थिंक ऑफ प्रेसिंग अपने हील से जमीन के अंदर, लाइक प्रेस द फ्लोर जैसे आप लेग प्रेस कर रहे हो एज यू पुश द वेट अप. सो 1 एंड आपको जस्ट इनफ हेड मूवमेंट चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए एग्जैजरेट करके. तो नीचे रहा है, देखो अभी मेरा सर लगेगा हल्का सा पीछे का, दैट्स इट. एंड नाउ यू ब्रिंग इट ऑल द वे टू योर क्लैविकल, जो आपकी क्लैविकल वाली हड्डी होती है. एंड मोस्टली लोग यहीं तक लेके आते हैं, आई ब्रिंग ऑल द वे यहाँ पे. एंड नाउ यू प्रेस अगेन एंड यू ऑल्सो डोंट वॉन्ट कि आप बाउंस कर रहे हो लाइक पॉप. सो यू वॉन्ट टू बिल्ड कंट्रोल स्पेशली इन द बॉटम हाफ रेंज ऑफ द मोशन, बिकॉज बहुत सारे लोग obviously you will be stronger is upper jo 3-4th range of motion hai, but if you want to build real strength, if you want to build confidence throughout the lift, you have to spend more time in a position jahan pe aapki body bahut zyada vulnerable hai, jahan pe you are at your weakest, which is this bottom range of motion. Be it your chest press, be it your shoulder press, get comfortable throughout the range of motion. Once you have your strength cemented, once you feel comfortable with the weight throughout the range of motion, then you can look towards increasing your weight. All right, first working set, 62.5. मैंने अपने पुश वाली वीडियो में बोला था कि यू विल नो हाउ योर वेट इज गोना मूव, हाउ योर वर्किंग सेट इज गोना मूव बेस्ड ऑन योर प्रेप सेट्स. तो मेरे को लाइट फील हो रहा है डिस्पाइट 3 hours ऑफ स्लीप, डिस्पाइट नॉट ऑल द थिंग्स अलाइन जैसे मैं चाहूंगा. लाइक देयर सम डेज जहाँ पे यू कैन हैव अ स्लीप ऑन, लाइक आपकी स्लीप ऑन पॉइंट होगी, आपकी न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होगा, आपका प्री पोस्ट वर्कआउट न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट होगा, बट यू स्टिल कांट गेट दोस लिफ्ट. एंड टुडे इज वन ऑफ दोस डेज जहाँ पे कुछ भी ऑन पॉइंट नहीं था मेरा. आई वाज लीस्ट एक्सपेक्टिंग टू फील माय लिफ्ट्स लाइक दिस, आई वाज फीलिंग स्लगिश, मेरे को लग रहा था बहुत हैवी फील होगा, बट क्वाइट द ऑपोजिट. सो इफ यू हैव अ गुड डे ट्रेन, यू have a bad day train, but that is what keeps you going, and I think it's these low days that actually contributes the most amount of growth. I used to struggle a lot with lockouts and jo niche se push karna tha, to abhi mereko feel ho raha hai meri speed badh gayi, which is a good thing considering hamara aaj sleep bhi itna nahi tha, so I'm very happy about that. Okay, 65 for 5. Let's see, 67.5 for 5 RP 10. Nature of heavenly energy laced with the patience for enemies. We don't waste time on blue blood memories. Call it crazy, but I've been ruling city since they call me little lady. Dared to daydream, spun out a couple times while I was busy chasing. Now they're saying my name, saying it's so strange how the lights come on and I start to change. But they were never really paying close attention anyway. It's funny how the love fades. So now you wanna know how fortune feeds the bold. Ask me for a favor like you want something I owe. Never for a moment.
गाइस जैसे मैंने बोला था अपने चेस्ट वर्कआउट में मेरी ओवरहेड प्रेसिंग बहुत वीक है बट धीरे धीरे अभी इंक्रीज हो रही है। लास्ट वीक वी डिड 28 से 8 रेप्स एंड इस जिम में 30 का डंबल लिया तो हमें सीधा 32 लेना पड़ा विच वॉज काइंड ऑफ अ बिग जंप बट आई फेल्ट कि आज आ जाएगा मेरे से। तो मेरी हैप्पी ये भी हो गया वो भी PR है। लेट्स कीप दिस मोमेंटम गोइंग। मेरा पहले बहुत स्लो ड्राइव हुआ करता था अभी मेरे को फील हो रहा है कि उड़ रहा है जाके लाइक वो एक्सप्लोसिव पुश आ पा रहा है। ट्रेनिंग थोड़ी छूट गई बिकॉज वरना मूवी छूट जाएगी और सनी वहाँ से फ़ोन करके गुस्सा कर रहा है कि साले तू अभी तक टाइम पे नहीं आया। मैंने बोला यार कुछ नहीं होता अगर थोड़ी मूवी छूट जाएगी ट्रेनिंग नहीं छूटनी चाहिए। एक तो एक्सरसाइज रहेगी लास्ट की लेकिन कुछ नहीं होता अपन कल नहीं तो बाद में कहीं कॉम्पनसेट कर लेंगे। अपना पोस्ट वर्कआउट रूटीन से एक सनी भाई आ चुके हैं पहले अभी मूवी से निकले कैसे लगी भाई? ये तो जल्दी निकल गया भाई इतनी honest, अच्छी लगी। ऑनेस्टली भी दूँ तो भाई मेरे को ठीक ठाक लगी और बहुत ही ब्लंडर सा और खत्म मूवी के अंदर अंटिल जब सलमान खान आया ना तब चेंज हुई भाई। क्यों मेरे को भी तभी लगा लाइक वो जैसे सनी ने उन्हें जान डाल दी थी उसमें दो तीन मिनट के लिए आया था सलमान खान और उसमें इतना पावरफुल लगा ना उसी काफ़ी से उसके बाद फिर दोबारा बोरिंग से मेरे को लगा। हाँ बोल बोल मेरा ये बोलना था मेरे को मेरा फेवरेट है SRK और बट फिर भी मैं ये बात बोल रहा हूँ ना तो सोच समझ के बोल रहा हूँ बिकॉज ट्रू रिव्यू देना ज़्यादा ज़रूरी है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्योंकि आई थिंक अभी ये SRK का फैन से ज़्यादा अभी ये मूवी क्रिटिक है एज अ होल मूवी एंड आई थिंक जब आप एक मूवी देखते हो आप सिर्फ एक एक्टर को नहीं एक स्टोरी देखने जा रहे हो एंड एक एक्टर का काम होता है जो उन्हें कैरेक्टर असाइन किया गया उसमें जान डाल देना एंड दीपिका पादुकोण जॉन अब्राहम शाहरुख खान ने लाइक उन्होंने तो बहुत ही बेहतरीन काम किया उसमें बट आई फील कि बाकी सिद्धांत को ज़्यादा नॉलेज है डायरेक्शन वगैरह की थोड़ा बहुत पता है कि बॉल की वीडियोस आपने देखी तो आप देख सकते हो गाइज 10:10 हो गए हैं यहाँ पे। मैं तो 3:30 से बाहर था जिम था फिर घर आया फिर जैसे ही घर पहुँचते चेंज करती भागा तो कब से सुबह के सुबह मैं चले गया था 8:30 से सार जी बाहर है सोए नहीं हम दोनों 3 बजे सोए और ओवरनाइट ओवरनाइट वो जमाना बहुत पहले जा चुका है अब तो अभी जाके जो एवॉल्व वर्कशॉप है उसको थोड़ा और स्ट्रक्चर करना है थोड़ा और प्लान करना है पहली बार मेरा एक दोस्त है जैसे क्वेश्चन पूछ रहा था अभी देख रहा होगा शायद वीडियो वो पूछ रहा था सिद्धांत भैया को बोलना है एक बार लड़कियां लाइक गर्ल्स को इंप्रेस कैसे करते हैं गर्ल्स को इंप्रेस कैसे लाइक नंबर लेना उसको सीधा जाके ये तो भाई सनी भाई बताएंगे वो हमसे आगे इस चीज नहीं मैं जनरली जनरली पूछ रहा था वो अगर तेरे को कोई लड़की खड़ी है उसको उस लड़का बोल रहा था बेसिकली मैं नंबर नहीं ले पाता तो क्या करे इंस्टाग्राम ले लो भाई अगर वो इंस्टाग्राम में दे ही नहीं रही कुछ तो जो तुम्हारी जिंदगी में लिखा नहीं है कुछ ओवरऑल पर्सनालिटी के लिए तो बोल रहा है ना वही होता है और कार योरसेल्फ कैसे आप बात करते हो और जरूरी है कार होना जरूरी है कार है कार होनी जरूरी है साइकिल पे भी जा सकते हो जाने होते हैं बनी हुई थी तेरे को पता फेक एक बार भाई पता नहीं मेरे को लड़कियों मैसेज करती रहती हैं You broke my heart. How can you disappear like that? मैं तो ना जानता हूँ ना कुछ I finally found you. You've been faking your ये वो मैंने बोला भाई कौन है तो बता नहीं भाई जिसने भी बना रखी है मतलब थोड़ा समझ जाओ बंद करो मतलब और भी लोग हैं दुनिया में गाइस अभी हम आ रखे हैं डोमिनिक 3 यहाँ पे पीछे है मदर डेयरी जस्ट केम कैजुअली फॉर अ स्पून और हमारे साथ देखो ये भाई आ गए हैं सिडनी से वापस लास्ट ईयर रात में आया था जो मेरा रिहा वाला ब्लॉग है उस पर देखो उसमें मैंने मास्क पहना हुआ था मास्क पहना था हाँ बाल बहुत छोटे थे वाइट टी शर्ट वाइट कलर की टी शर्ट थी तो ये केम आई थिंक जस्ट फ्यू डेज अगो वो भी हर्षद भाई की हाँ जी राइट हाँ जी और हर्षद भाई को हम अभी पिक करने वाले पिक नहीं मतलब हम मिलने वाले हैं उन्हें पता नहीं हम दोनों सरप्राइज करने आ रखे हैं इसका तो बिल्कुल ही नहीं मतलब एक्सपेक्ट होगा मैं तो बोल दिया था मैं आ ही नहीं सकता शादी में नहीं आ सकता लाइक देखते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है एंड जो मेरे एकदम पुराने वाले सब्सक्राइबर हैं फिर जो एकदम स्टार्टिंग चैनल उन्हें पता है कि हर्षद भैया कौन है जब मैं कॉम्पिटिशन खेलता था तो वो साथ जाते थे हमेशा पूरा उन्होंने सपोर्ट किया है तो अगर आपने पुराने व्लॉग्स देखे हैं तो आप समझ जाओगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं